अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। ओपिनियन पोल कांग्रेस की बढ़त दिखा रहा है तो कुछ कांग्रेस की हुकूमत बनती भी बता रहे हैं, लिहाजा भाजपा कांग्रेस में एक तरह की रस्साकशी चल रही है। रियासत कर्नाटक की हुकूमत का रास्ता वैसे देखा जाए तो बेलगाम जिले से होकर ही गुजरता है, ऐसा अक्सर कहा जाता है। हुकूमत बनाने या गिराने की साजिशें या मनसूबे बेलगाम ही में अंजाम देने की बात भी कही जाती है। अभी कांग्रेस के कुछ उम्मीदवारों के नाम जाहिर होने हैं तो कल भाजपा की तवील एक फहरिस्त 190 उम्मीदवारों की जाहिर की गई, जिसमें चौंकाने वाले नाम दर्ज पाए गए। अगर बेलगाम जिला या फिर उत्तर कर्नाटक की बात कही जाए तो बहुत कुछ तब्दील होता देखा जा रहा है, कुछ तब्दीलियां नजर भी आ रही है। आखिर आने वाले दिनों में क्या शक्ल होगी, क्या तस्वीर होगी इस रियासत की या तो फिर उत्तर कर्नाटक की। मैं बार बार कह रहा हूं कि उत्तर कर्नाटक, क्योंकि आसार कुछ अलग नजर आए। खासकर जारकीहोली फैमिली को उत्तर कर्नाटक की सियासत में अहम किरदार निभाते हुए अक्सर देखा गया और निभा भी रहे। कांग्रेस में सतीश जारकीहोली का अपना मुकाम है तो भाजपा में रमेश जारकीहोली का है। सीढ़ी मामले के बाद रमेश जारकीहोली थोड़ा पर्दे के पीछे जरूर नजर आए, लेकिन कोशिशें मुस्तकिल जारी रही। सतीश जारकीहोली तो कांग्रेस के रियासती वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर आज भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब इस मौजू पर बोलना इसलिए जरूरी समझता हूँ क्योंकि जिस तरह से उम्मीदवारों को टिकट दिए गए और कुछ के टिकट काटे गए, बड़े ही सोचने के काबिल है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी में तकरीबन 6 जगहों पर सतीश जारकीहोली की हिमायतों को टिकट दिया गया तो दूसरी तरफ भाजपा में रमेश जारकीहोली हिमायतों को भाजपा आलाकमान ने टिकट दिया। ये असल बात है और इस पर ही सोचना है और आज का मौजू इसी पर है। ये बात अलग है कि कौन किसकी मदद कर रहा है या कौन सी पार्टी जीत दर्ज करेगी, पर कहीं तो ये टिकट तकसीम सोचने पर मजबूर कर देती है। बेलगाम शहर का ही मामला लिया जाए तो बहुत चौंकाने वाला मामला है। बेलगाम नॉर्थ के लिए अनिल बेनके का टिकट काट कर रवि पाटिल को दिया गया, जबकि सभी जानते हैं कि रवि पाटिल महज पेशे से एक डॉक्टर हैं और उतना बड़ा चेहरा नहीं है और आवाम में भी ज्यादा पकड़ उनकी नहीं है, ऐसा कहा जाता है। लिहाजा लिंगायत के मद्देनजर उन्हें टिकट देने की बात कही जा रही है, लेकिन इस टिकट के पीछे भी कहीं तो रमेश जारकीहोली का हाथ बताया जा रहा है। बेनके को लेकर भी कुछ हद तक नाराजगी मराठी लोगों में थी, लेकिन इतनी नाराजगी भी ज्यादा नहीं थी कि टिकट को ही काट दिया जाए। भाजपा हिमायती मराठा समाज में इससे एक तरह की नाराजगी देखी जा रही है। अब बेलगाम नॉर्थ से आम आदमी पार्टी से राजू टोपन्नावर अपनी उम्मीदवारी दर्ज कर रहे हैं। अब जब पूरी रियासत में जाति का समीकरण है तो यहाँ भी कुछ लिंगायत हो टोपन्नावर ले सकते हैं। MIM अगर अपना उम्मीदवार खड़ा भी करती है तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुसलमानों के ज्यादातर वोट काट पाएगी इसकी कोई गारंटी MIM नहीं दे सकती। बहुत ज्यादा असर कांग्रेस को हो नहीं सकता, ये भी उतना ही सच है। समिति से किशन येलुरकर को मराठी उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है तो मराठी वोट वो ले सकते हैं और भाजपा से मराठी वोटर नाराज भी है। जाहिर है कांग्रेस को सीधा सीधा फायदा होता दिखाई दे रहा है। इस बार कांग्रेस से फिरोज सेठ की बजाय राजू सेठ को उम्मीदवारी दी जा रही है। यकीनन सतीश जारकीहोली ने अजीम पटवेगार को उम्मीदवारी दिलाने की मांग की थी, लेकिन पहले ही 6 जगहों पर सतीश जारकीहोली ने अपने हिमायतों को टिकट दिलवाया था। और अगर बेलगाम नॉर्थ की बात की जाए तो सेठ फैमिली एक बड़ा चेहरे के तौर पर भी देखी जाती है। बेलगाम नॉर्थ के लिए राजू सेठ का फैसला आलाकमान की तरफ से होने की बात भी बताई जा रही है। इसी तरह यमकन मंडी, जहां से खुद सतीश जारकीहोली चुनाव लड़ते हैं, 2018 में सतीश जारकीहोली ने 73,512 वोट लिए थे और मारुति अष्टगी ने 70,662 वोट लिए थे, मतलब बिल्कुल अष्टगी नजदीक आकर हार गए थे। मतलब सतीश जारकीहोली के लिए इस बार भी मुश्किल सामने थी, लेकिन यहाँ रमेश जारकीहोली के कहने पर अष्टगी की जगह पर बसवराज उन्द्री को उम्मीदवारी जाहिर की गई। अष्टगी जो टक्कर का पहलवान था उसे हटाया गया। इसी तरह गोकाक में अशोक पुजारी जब भाजपा के उम्मीदवार थे और कांग्रेस से रमेश जारकीहोली थे, रमेश जारकीहोली ने उस वक्त 90,249 वोट हासिल किए थे तो अशोक पुजारी ने 75,970 वोट लिए थे। मतलब यहां भी रमेश जारकीहोली को जीतना आसान न था और इस तरह से वोट लेकर रमेश जारकीहोली को एक तरह से चौंकाया था। फिर तब्दीली हुई और अशोक पुजारी को कांग्रेस में दाखिल किया गया और अब अचानक कांग्रेस से टिकट काटकर महांतेश कड़ाडी को दिया गया, जबकि महांतेश कड़ाडी कोई मशहूर नाम नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, इसका किसी तरह से कोई कांग्रेस का पस मंजर नहीं है। आप तमाम बातों पर गौर कीजिए। वहां भी एहतजाज कर टिकट ना देने पर एतराजात दर्ज किए गए। अथनी में लक्ष्मण सऊदी की जगह महेश कुमटल्ली को देना भी किसी हादसे से कम नहीं कहा जा सकता। सभी जानते हैं कि लक्ष्मण सऊदी खुद रियासती वजीर भी रह चुके हैं। बेलगाम ग्रामीण में भी फैसला इसी तरह चौंकाने वाला रहा। नागेश मंडोलकर का किसी तरह रुसूख
और किसी तरह मकबूलियत नज़र नहीं आती और ना ही इनको कोई बहुत ज़्यादा इनकी छाप वहाँ पर आवाम के दिलो जहन पर है। महज रमेश जारकीवाड़ी के कहने पर संजय पाटिल को हटाकर नागेश मंडलकर को उम्मीदवार बनाया गया। बेलगाम ग्रामीण में लक्ष्मी हेबाड़कर की पकड़ बहुत ही मजबूत है, ये अलग बात है, लेकिन किसी तजर्बेकार को हटाकर नागेश मंडलकर को टिकट देने पर संजय पाटिल के हिमायती भी नाराज हो चुके। इसी तरह रामदुर्ग में भी एहतजाज किया जा चुका है। यादवाड़ जो फिलहाल वो खुद MLA थे, इन्हें भी हटाया गया। खैर आखिर इतना सब कुछ कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है? कांग्रेस की भी कुछ हालत अलग नहीं है, पर एक समानता इन दोनों टिकट तकसीम में देखी गई कि कांग्रेस की जानिब से सतीश जारकीवाड़ी तो भाजपा की जानिब से रमेश जारकीवाड़ी ने कमान संभाल ली है। अक्सर राय ये थी कि सीडी मामले को लेकर रमेश जारकीवाड़ी कहीं ज्यादा सरगर्म नजर नहीं आए, पर इस बार का असल खेल ही दोनों जारकीवाड़ी भाइयों ने खेला है ऐसा कहा जा रहा है। आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? कई अफवाहें सियासी गलियारों में गश्त कर रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि क्या रियासत कर्नाटक को तकसीम कर कहीं जारकीवाड़ी भाई उत्तर कर्नाटक की तैयारी तो नहीं कर रहे, क्योंकि अब जब उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे तो इसमें अहम रोल इन दोनों भाइयों का ही होगा। भले ही पार्टी कोई भी हो, जितना तेजी से सियासी समीकरण बेलगाम जिला या उत्तर कर्नाटक का बदलता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जारकीवाड़ी भाइयों का आने वाले दिनों में अहम रोल रहेगा, क्योंकि इस बार टिकट अपने हिमायतों को देना फिर कांग्रेस हो या भाजपा सोचने पर मजबूर जरूर कर देता है। भले ही आने वाले दिनों में कांग्रेस या भाजपा की हुकूमत होगी या नहीं मालूम, लेकिन उत्तर कर्नाटक की सियासत पूरी तरह से एक बार फिर जारकीवाड़ी भाइयों के हाथ में ही हो गया ऐसा लग रहा है। जिस तरह मनसूबाबंदी सतीश जारकीवाड़ी रमेश जारकीवाड़ी की जानिब से की जा रही है, ऐसा लग रहा है कि सतीश जारकीवाड़ी को उत्तर कर्नाटक के CM बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये एक तरह का कयास है। आज का मौजू आपको कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।